जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। जी हाँ, आज मैं उन लड़कों के लिए ये बहुत ही अच्छी और बड़ी जानकारी लेके आया हूँ। खास तौर से ये जानकारी सिर्फ उन्हीं लड़कों के लिए जितने भी लड़के आर्मी की तैयारी करते हैं। खास तौर से आप सभी लोग को मालूम होगा कि जीडी की भर्ती अगर हम देखते हैं, चाहे किसी भी अन्य ट्रेड में आर्मी की भर्ती देखते हैं, तो दौड़ बहुत ही मायने होता है, यानी दौड़ निकालना मायने होता है। और सभी लड़कों का एक ही सवाल होता है कि हम दौड़ कैसे घटाएं या कम समय में ज्यादा दौड़े कैसे, या 1605 मीटर के अंदर कैसे मारें। तो ज्यादातर लड़के ज्यादातर इसी नुस्खे पे बहुत अलग अलग तरीका आजमाते हैं, लेकिन एक गलती वो कर देते हैं। वो गलती क्या है जिनकी वजह से उनकी दौड़ नहीं अच्छी बन पाती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, अगर हम दौड़ रहे हैं तो उसके साथ एक और बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। देखिए, दौड़ के साथ साथ आपको खान पीन पे भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर जब तक आप कोई प्रोटीन वाली चीज लेके नहीं खाएंगे, तब तक आपको कितना भी दौड़ लें, आपका, जिसे लड़के कहते हैं कि हमारा दम नहीं बनता है, दम इसलिए नहीं बनता है, इसलिए वो जल्दी थक जाते हैं या हांफने लगते हैं, क्योंकि उनके जो शरीर में होती है ना शक्ति नहीं होती है। जहां पे वो लास्ट स्टेज पे आते हैं, 1600 के मीटर के करीब आते हैं, तो लड़कों को खुल के दौड़ना होता है, यानी पूरा पैर फेंकना होता है, वो भी लगातार फेंकना होता है। तो वो सिर्फ वही लड़का दौड़ता है या वही लड़का क्लियर करता है जिसके अंदर वो क्षमता होती है, यानी एनर्जी होती है। ठीक है, और उन्हीं एनर्जी का कुछ नाम बताने जा रहा हूं, और आपको इसे डेली सेवन करना है। जितने भी दौड़ने वाले लड़के हैं इसे नोट कर लें, ठीक है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मान लिया कि आप डेली 1600 मीटर दौड़ते हैं, चाहे 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, चाहे 4 किलोमीटर दौड़ते हैं। दौड़ने के बाद आपको क्या करना है और क्या खाना है, दो तीन चीज ऐसी हैं जो आपको बहुत ही सस्ती हैं, आपको खाना चाहिए डेली अगर आप दौड़ की तैयारी करते हैं तो। और इसका चैलेंज मैं देता हूं, अगर ये दोनों काम आप फॉलो करते हैं, खाते हैं और रेगुलर दौड़ते हैं, तो दौड़ निकलने से आपकी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सबसे पहले एक इंसान की मैं आपको कहानी बता देता हूँ। ठीक है, एक इंसान होता है, ठीक है, जिम करने जाता है, घर आता है, आईने में अपनी शक्ल देखता है, ऐसे करता है, उसके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे दिन भी वही काम करता है, ठीक है, जिम जाता है, घर आता है, आईने में देखता है, कोई प्रभाव नहीं, ऐसे ही वो डिमोटिवेट होकर छोड़ देता है। लेकिन ये बात आपको भी मालूम है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर रेगुलरिटी रहे, कंटिन्यूटी रहे, तो किसी चीज को हम फतह या हासिल या उसे सफलता में बदल सकते हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप रेगुलर दौड़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, पहला काम रेगुलर। दूसरा ये है, जो प्रोटीन वाले चीज आते हैं, जैसे सबसे सस्ता चना, सोयाबीन का बिया या पनीर हो गया, मतलब जिसमें भी प्रोटीन मिले, आपको एक मैं लिस्ट दे दूंगा जिसमें प्रोटीन मिलता है खाने से, उसे आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कुछ नाम, उसे आप सेवन कीजिएगा। और डेली आप कंटिन्यूटी आपने दौड़ में बने, और जब भी दौड़े तो एक बात का ध्यान रखिएगा, टाइम देख के दौड़िएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी होता है दौड़ निकालने के लिए। अगर आप डेली टाइम देख के दौड़ते हैं, तो ज्यादातर आप प्रयास ये कीजिएगा कि आज मुझे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट घटाने का प्रयास कीजिए। चाहे आप 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, 4 किलोमीटर दौड़ते हैं, 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, 1600 मीटर दौड़ते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अपनी स्पीड को घटाना चाहते हैं तो, यानी कम समय में तेजी से दौड़ना चाहते हैं तो आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। यहां तक मैंने आपको दो तीन बातें क्लियर कर दी होंगी। अगर हमें 1600 मीटर आर्मी की दौड़ निकालनी है तो रेगुलरिटी, खाने पीने पे ध्यान और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ये तीनों अगर आप करते हैं तो दौड़ निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो मेरा नाम था राकेश यादव, मैंने यहां तक आपको सभी दौड़ के नुस्खे की तैयारी के, मतलब जो भी बताना था मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, वो भी शुद्ध हिंदी में। और साथ ही साथ अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चाहिए आर्मी के, तो एग्जाम की तैयारी नाम का चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं आर्मी के। ठीक है, और यहां पे हमारा ऑफिशियल चैनल, जहां आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, राकेश यादव ज्वाइन इंडियन आर्मी यूट्यूब पे सर्च करेंगे सबसे पहले आ जाएगा। तो यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।